पजात चेतक आया है मेरे पास, अगर टूटी ऑयल कम डालोगे तो ये होगा। ये जो बजाज चेतक है इसमें टूटी ऑयल कम पड़ा है। कहने का मतलब इसमें टूटी ऑयल बहुत ज़्यादा कम डाला है। कम डालने के कारण ये पिस्टन सीज हो चुका था। पिस्टन ऐसा चीज़ हो चुका था कि स्कूटर हमारी स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफ़ी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि पिस्टन अगर सीज हो जाए तो कार्बोरेटर वाली जगह से यहाँ पर से आप ऑयल पिलाते हैं, यहाँ पर से ऑयल पिलाते हैं, पहले स्कूटर को स्टार्ट कराएं, स्टार्ट करने के बाद में यहाँ से ऑयल पिलाते हैं। हालांकि मैंने इसको भी ऑयल पिलाया लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें स्क्रेच पड़ चुके हैं, बुरी तरह ये सीज हो चुका है। और ये जो रिंग की जगह है, यहाँ पर रिंग के जो खांचे होते हैं वो भी कहीं से टूट चुके हैं, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन रिंग जहाँ खांचा होता है वो टूट चुका है। तो देख रहे हैं आप पिस्टन किसी बुरी तरह सीज हो चुका है। तो तभी मेरा मानना यह है कि अगर आप बजाज चेतक चलाते हैं तो उसमें टूटी ऑयल थोड़ा बढ़ा के ही डालें, थोड़ा बढ़ा के डालेंगे, थोड़ा सा धुआं ज़रूर मारेगी लेकिन पिस्टन सीज आपका नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कितना पावरफुल स्क्रेच है इसमें, काफ़ी तगड़ा स्क्रेच है, और यहाँ भी देख रहे हैं कितनी तगड़ी स्क्रेच है। तो ये स्कूटर स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। और ये वाला जो पिस्टन है, पिस्टन लास्ट है, ये वाला पिस्टन लास्ट है, पिस्टन मार्केट में नहीं मिल पा रहा था और मैं लास्ट पिस्टन डाल रहा हूँ इसमें LML सेलेक्ट का, ठीक है, लास्ट पिस्टन डाल रहा हूँ मैं इसमें LML सेलेक्ट। आप देख रहे हैं कि LML वेस्पा सेलेक्ट LML का पिस्टन डाल रहा हूँ। और स्कूटर हमारे पास ये बजाज चेतक है, स्कूटर हमारे पास बजाज चेतक है और LML का पिस्टन डाल रहा हूँ। तो LML पिस्टन डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस इतना सा फ़र्क होता है कि इसकी तबली देख रहे हैं आप, इसकी जो तबली है बिल्कुल प्लेन है, ऊपर वाला हिस्सा जो है बिल्कुल प्लेन है, और चेतक में जो पिस्टन होता है ये हिस्सा उठा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिलहाल हमने बजाज चेतक का पिस्टन हमें नहीं मिला तो हमने LML का डाल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा मानना यह है कि जैसे कि अगर हम LML का पिस्टन अगर डालते हैं तो इससे पिकअप बढ़ता है, इससे पिकअप बढ़ता है। मेरा मानना है कि मुझे ऐसा कभी महसूस हुआ है और ऐसा लगा है कि कभी भी मैंने LML का पिस्टन चेतक में डाला है तो इससे पिकअप बढ़ा है और एवरेज भी अच्छा आया है। तो इस स्कूटर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्की लीकेज भी है, हेड लीकेज कर रहा था तो ये इसको मैं साफ़ करूँगा। इसमें मैं डबल पैकिंग डालने वाला हूँ। हेड लीकेज होने के कारण भी क्या होता है कि तुम्हारी किक फस-फस करेगी, किक मारोगे तो फस-फस की कुछ आवाज़ आएगी, चलते समय कुछ पटाखा जैसा भी मारेगी अगर हेड लीक होगा तो। यहाँ पर से कटा था गैसकिट, इसका गैसकिट भी चेंज करूँगा। और हेड देख रहे हैं आप, हेड देख सकते हैं कि यहाँ पर से लीकेज हो रहा है। और ब्लॉक हमारे पास ये रहा इस ब्लॉक को। और अगर आप पिस्टन LML का डाल रहे हो, क्योंकि इसमें मैं बोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बोर नहीं कर रहा हूँ, हमारा जो इसका अंदर का जो बोर है ब्लॉक का, ठीक है, जो आप कचरा देख रहे हैं ये मैंने कचरा सिलेंसर वाली जगह से साफ़ किया था, यहाँ पे से साफ़ किया था। अगर आप पिस्टन डालते हैं तो ये जगह आप साफ़ कर लें, काफ़ी गंदगी है अभी भी इसको, और अच्छी तरह मैं पेट्रोल से साफ़ करूँगा तभी मैं इसको फिट करूँगा। एक भाई ने मुझे ये भी कमेंट किया था, जो हम पिस्टन में रिंग बैठाते हैं, रिंग सेट करते हैं, उसके बारे में मुझे बता देना। तो मैं ये वीडियो में आप पूरी देखो और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि रिंग सेट कैसे होते हैं। और जो ये तीर वाला निशान है वो हमेशा नीचे रहता है, ठीक है, तीर ये वाला निशान नीचे रहता है। और इसको मैं फिट करूंगा, पहले मैं सब आइटम धो लेता हूं। और गजन पिन की अगर हम बात करें, ये बैरिंग होती है और इसको चेक कर लेना है कि हमारा ये जो रूलर है, रूलर ठीक है नहीं है कि नहीं है। तो रूलर इसके ठीक हैं, जो ये गजन पिन बैरिंग है इसी को मैं इसी को डालने वाला हूँ, ये ठीक है। और उससे पहले हम कनेक्टिंग रोड में प्ले चेक कर लेंगे, कनेक्टिंग रोड में हल्की सी प्ले है, चल जाएगी। कस्टमर बोल रहे हैं कि कम खर्चे में इसको तैयार करना है तो इसमें कम खर्चे में मैं तैयार कर रहा हूँ। और ऐसा है कि मेरा मानना यह है और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको चेतक का पिस्टन नहीं मिल रहा है तो LML का आप डाल सकते हैं, क्योंकि सामान की बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग हो रही है। कनेक्टिंग नोड में फिट करने से पहले सबसे पहले हम ये लॉक लगा लेंगे, ये वाला इस साइड का लॉक, अंदर साइड वाला लॉक लगा लेंगे, जैसे कि आप लॉक देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर है। ये लॉक मैं फिट कर देता हूँ इसमें नोक प्लस की सहायता से, ये मेरे पास नोक प्लस है, इसकी सहायता से मैं इसको फिट कर देता हूँ। तो लॉक आप इस तरह इसको बैठा लें। तो रिंग हमारे पास दो रिंग हैं, इन रिंगों को हम इस साइड बैठा लेंगे, ऊपर नीचे कोई भी बैठा लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से इसको बिठा लेंगे हम, टूटे भी ना, और आराम से खींच खींच के, आराम से खींच के बिठा लेना है। तो रिंग हमारा बैठ चुका है, इस तरीके से खांचे में
बैठ जाना चाहिए। जो पुराना वाला पिस्टन था उसका ये वाला खांचा जो है टूट चुका था पिस्टन सीज होने के कारण, क्योंकि उसके रिंग चिपक गए थे। तो इस रिंग को भी इसी तरीके से बैठाना है हमने, इस रिंग को भी हमने इसी तरीके से बैठाना है। तो रिंग दोनों हमारे बैठ चुके हैं, आप देख रहे हैं ये वाला रिंग भी बैठ चुका है और ये वाला रिंग भी बैठ चुका है, दोनों रिंग बैठ चुके हैं। और जो ये लॉक है, लॉक मैंने फ़िट कर दिया है, अंदर साइड लॉक मैंने फ़िट कर दिया है। और जो ये गजन पिन बैरिंग है, यहाँ पर आप गजन पिन बैरिंग देख रहे हैं, इसमें मैंने ग्रिस लगा दिया है और इसको फ़िट कर दिया है। अब हमारा पिस्टन फिट कैसे होगा, इस तरीके से हमारा पिस्टन फिट होगा। और इसका जो पिन होती है, गजन पिन होती है, उसमें मैं हल्की ये पिन होती है इसमें ये वाली, इसमें ऑयल लगाना पड़ेगा हल्का। और पैकिंग काफ़ी अच्छी दी है, देखो ये नया टाइप का है। और इसमें मैं ऑयल लगा लेता हूँ, ऑयल लगाने के बाद मैं पिस्टन फिट करता हूँ। तो इधर वाला भी लॉक लगा दिया मैंने, अंदर पहले पिन लगाई थी, जो पिन मैंने आपको दिखाई थी वाली पिन लगाई थी, इंजन ऑयल लगाकर पहले मैंने पिन डाली थी, फिर उसके बाहर से मैंने यह लॉक लगा दिया है। यहाँ पर खांचा रहता है, आप पता लग जाएगा कि यहाँ पर खांचा होता है, वहाँ पर ही लॉक आपको बैठाना है। जो भैया आप वीडियो देख रहे हैं, आपने कमेंट किया था, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने वीडियो देख लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसमें ऑयल लगा के हम फिट कर देंगे।